सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, आज वेद विज्ञान आलोक की 110वीं कक्षा प्रारंभ करते हैं। पहली पंचिका के पहले अध्याय का तीसरा खंड, जिसमें पहली खंड का है पुनर्वा एतम ऋतुजो गर्भम कुर्वन्ति यम दीक्षयन्ति। पूर्व में जो प्रक्रिया बतलाई, अब तक जो सृष्टि प्रक्रिया चल रही थी उसके बाद की चर्चा है कि पुनः उसके पश्चात एतम इसको जो कण बनने वाले हैं उनको ऋत्विज जिनको दीक्षित करते हैं अथवा जिनको सृष्टि प्रक्रिया में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं या उनको ऊष्मा प्रदान करते हैं उनको क्या करते हैं, ऋत्विज नामक पदार्थ गर्भ का रूप प्रदान करते हैं, अर्थात गर्भ की भांति उनको धारण करते हैं। अब ऋत्विज क्या है, प्राणावा ऋतु याजा ऐतरे ब्राह्मण 2:29 कौशितकी ब्राह्मण 13:9 ऋतवा ऋत्विज शतपथ 11:2-7:2 ऋत्विजो देवयजनम गोपथ पूर्वार्ध 2:14 शतपथ में भी है 3:1-1:5 छंदान शिवा ऋतुज मैत्राणी संहिता 3:9-8 और काटक संहिता 26:9। अर्थात ऋतु रश्मियाँ भी ऋतुज हैं, छंद रश्मियाँ भी ऋतुज हैं और प्राण रश्मियाँ भी ऋतुज हैं, क्योंकि ये विभिन्न देवों का यजन करती हैं। जो भी सूक्ष्म कण हैं चाहे वो अभी निर्मित नहीं हुए हैं बाद में निर्मित होंगे, उनमें जो यजन प्रक्रिया आती है वो इन्हीं के कारण आती है, इन ऋतुजों के कारण आती है, छंदों के कारण आती है, प्राणों के कारण आती है, ऋतु रश्मियों के कारण आती है। वर्तमान विज्ञान में विभिन्न संयोग प्रक्रियाओं का मुख्य आधार इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर जाना है, आवागमन, वो गलत नहीं है, सत्य है, लेकिन यह बहुत स्थूल चीज है। ये बड़ी स्थूल जानकारी है कि किसी आयन से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, दूसरे में चला जाता है, दोनों मिल जाते हैं, ये बहुत स्थूल जानकारी है। इस प्रक्रिया के पीछे बहुत कुछ करना पड़ता है, वो वर्तमान विज्ञान में नहीं है, वैदिक विज्ञान में उसका विस्तार है, तो यहाँ उसकी थोड़ी चर्चा है। पहले तो कण ही कैसे बनते हैं, तो कणों के निर्माण की भी चर्चा है। अच्छा, गर्भ उस समय पदार्थ किस रूप में था, सारे ब्रह्मांड में अर्थात सर्वत्र अवकाश रूप आकाश में प्राण रश्मियाँ भरी थी, छंद रश्मियाँ भरी थी, ऋतु रश्मियाँ थी, मास रश्मियाँ थी, ये सारी थी, इनका एक मानो एक समुद्र था। ये जो मैंने अभी बताया ये समुद्र ऐसा नहीं था जिसको कोई आंखों से देख सके, ठीक है हम उस समय नहीं थे और होते भी तो ये दिखता नहीं, क्योंकि हम तो हवा को ही नहीं देखते, हवा में तो एटम भी है, मॉलिक्यूल भी हैं और बड़े बड़े डस्ट के कण भी हैं, वो भी हमें नहीं दिखाई देती हवा। तो उस समय का जो वायु है, प्राण है, छंद है, ऋतु है, मास, वो तो देखना संभव ही नहीं था, क्योंकि तब उस समय तो कण बने ही नहीं थे। तो कणों के संगतीकरण की प्रक्रिया क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे होगी,
पहले तो कणों की, कणों का भी बनना है किसी से संगत होकर के, किन्हीं पदार्थों के संगत होने से कणों का ही निर्माण होना है, फोटॉन्स का ही निर्माण होना है। तो इनका निर्माण भी कैसे होता है वो भी यहाँ चर्चा है कि उस विभिन्न प्रकार की रश्मियों को गर्भ का रूप प्रदान किया जाता है। गर्भ किसको कहते हैं? यो ग्रहणादि, ऋषि दयानंद ऋग्वेद भाष्य 1:52-3, ग्रहितव्य, ऋषि दयानंद ऋग्वेद भाष्य 1:164-9, वायव्य गर्भा तैत्री ब्राह्मण 3:9-17:5, इंद्रियम वही गर्भ तैत्री ब्राह्मण 1:8-3:3, प्राण इंद्रियाणि तांड ब्राह्मण 2:14-2। वैसे देखते हैं गर्भ किसी, एक तो झिल्ली से या गर्भाशय से ढका हुआ रहता है, दूसरा क्या होता है उस ढकने से वो सुरक्षित रहता है, तीसरा क्या होता है कि उसका माता से सीधा संबंध होता है और माता से निरंतर रस आते रहते हैं। तो वो जो भी कण फोटोन आदि बनते हैं वो गर्भ का रूप धारण करते हैं पहले। इसका अर्थ यह है कि जिन रश्मियों से संघनित होकर के, कंडेंस होकर के उनका निर्माण होना है, तो पहले उनको किन्हीं रश्मियों से आच्छादित किया जाता है, आच्छादित किया जाता है, और फिर आच्छादित करके उनको घनीभूत किया जाता है, उनको संपीड़ित किया जाता है। यहाँ कुर्वंती का अर्थ रचना भी है, कुर्वंती का अर्थ धारण करना भी है। बाहर जैसे बर्फ पानी में तैर रही है, तो बर्फ के अंदर भी पानी है, बर्फ के बाहर भी पानी है, पानी बर्फ को धारण कर रहा है और बर्फ के अंदर पानी है वो बर्फ पानी को धारण कर रही है। तो सारे समुद्र में सभी प्रकार की रश्मियों में जो जो कंडेंस होती जाती हैं वे कण या विकिरण के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जो जो नहीं हो पाती हैं वो इसी रूप में रहती हैं, रश्मि रूप में। तो जब किसी कण का निर्माण होता है तो ये प्रक्रिया होती है कि कुछ भागों में एक ऐसा मूवमेंट होता है कि कुछ पदार्थ, कुछ रश्मियाँ किसी अन्य रश्मियों से आच्छादित होकर के संघनित होना प्रारंभ करती हैं, वो आगे आएगा। उनमें एक बल कार्य करने लगता है जो कुछ पदार्थ को, जैसे पानी में भंवर देखे होंगे आपने, गहरे पानी में भंवर पड़ते हैं और भंवर में पानी ऐसे घूमता घूमता अंदर जाता है, तो ऐसा बल उत्पन्न हो जाता है कि उसमें कोई मनुष्य भी चला जाए तो वो भी नीचे चला जाएगा। ये बल किसका होता है? निरुक्त में, निरुक्ता 7:10 में भगवान व्यास लिखते हैं, याचक काच बलकृति इंद्र कर्मैव तत्। इस सृष्टि में जो भी बल का कर्म दिखाई दे रहा है, सर्वत्र बल काम कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ, इसमें मेरी मांसपेशियों का बल, मांसपेशियों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उनके शरीर के एक एक कण कण में, एक एक कोशिका में, एक एक अणु में, एक एक परमाणु में, अणु अच्छा मॉलिक्यूल और एटम, इनमें बल कार्य करता है, और उनके अंदर न्यूक्लियस, उनमें भी बल कार्य करता है, सब जगह बल कार्य कर रहा है। और रश्मियों के अंदर जो बल होता है वो अन्य प्रकार का बल है जिनको आज का विज्ञान नहीं जानता। आज का विज्ञान के 4 मौलिक बल हैं, गुरुत्व बल, विद्युत चुम्बकीय बल, एक दुर्बल वीक फोर्स, और एक स्ट्रांग फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। अब बात करें कि उस समय जो रश्मियां रश्मियां थी उसमें कौन सा बल उत्पन्न हुआ था, किसने वो पदार्थ को घनीभूत करना प्रारंभ किया था, किसने पदार्थ को गर्भरूप प्रदान किया था, किस बल ने, तो इन चारों में से तो कोई बल नहीं था, वो अलग 5वां बल था। वैदिक साइंस 9 बल मानती है, ये इसी ग्रंथ में आएगा, 9 प्रकार के बल होते हैं। उन 9 में से केवल आज के जो 4 बल हैं वो
उन नौ बलों में से डेढ़ बल में समा जाते हैं। अर्थात आज के चार के अतिरिक्त वैदिक साइंस 7.5 बल और मानती है। तो यहाँ पदार्थ आच्छादित करते हैं, कौन आच्छादित करते हैं इसके अलग अलग स्तर हैं। पहले जब आकाश नहीं बना, स्पेस नहीं बना है, स्पेस का अर्थ खाली स्थान नहीं है, स्पेस का अर्थ एक जाल, सूक्ष्म रश्मियों का जाल जो सबको धारण किए हुए। लेकिन ये भी जब नहीं बना था, जब रश्मियाँ ही थी, सूक्ष्म रश्मियाँ, तब कौन उन रश्मियों को संघनीभूत करने के लिए आच्छादित करता है, आवृत करता है? उस समय सूत्रात्म वायु, सूत्रात्म वायु ही ऐसा है जो सबको घेरने लगता है, सबको अपने जाल में फंसाने लगता है और फंसा करके उनको धीरे धीरे घनीभूत करने लगता है, संकुचित करने लगता है। और उसके बाद और भी बहुत सारी रश्मियां हैं जिनमें छंद रश्मियां, जिसमें एक ब्रैती मुख्य है, और भी इस ग्रंथ में आगे पढ़ने आएंगे। ये सभी मिलकर के एक ऐसा बल उत्पन्न करते हैं जो किसी भी पदार्थ को घनीभूत करे, संकुचित करे। तो जो फैला हुआ था वो जगह 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 पॉइंट 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 वो पदार्थ घनीभूत होने लगता है, और उस घनीभूत पदार्थ, वो घनीभूत पदार्थ ही गर्भ है। क्योंकि वो गर्भ है, इसका का इससे ये भी सिद्ध होता है कि कोई भी पार्टिकल जब बन रहा होता है उसका गर्भ होता है, वो गर्भ रूप होता है, अर्थात परिपक्व नहीं है, अभी वो कण के रूप में कार्य करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ है, अभी उसका विकास हो रहा है। तो गर्भाशय में जैसे माता के रक्त से रस आदि की निरंतर का प्रवाह रहता है उस गर्भ के लिए, वैसे ही जो भी रश्मियां घनीभूत हो रही हैं उन घनीभूत बिंदुओं के लिए, उन घनीभूत सूक्ष्म भागों के लिए बाहर जो विशाल समुद्र है रश्मियों का, उसमें से कुछ रश्मियां निरंतर जाती रहती हैं, अवशोषित भी होती रहती हैं और कुछ उत्सर्जित भी होती रहती हैं। कोई कण बन के ऐसा नहीं है कि वो उसका कण बन गया और उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, कि कण बन गया, एक इकाई हो गई, अब उसका शेष दुनिया से, शेष पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है, एक कण ये है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि इसका इससे कोई संबंध नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि इसका मुझसे संबंध नहीं, इस मेरा अर्थ ये नहीं मेरे शरीर का कि मेरा कमरे की दीवारों से कोई संबंध नहीं। हमारा ब्रह्मांड के प्रत्येक सूक्ष्म व स्थूल पदार्थ से निरंतर संपर्क रहता, सूक्ष्म रश्मियों के कारण रहता है, एक में से निकलती है दूसरे में जाती है, सब एक दूसरे से उन रश्मियों से ही जुड़े हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ब्रह्मांड कभी पैदा ही नहीं होता, सब बिखर गया होता, या सब अलग अलग जगह पर पड़ा पड़ा रहा होता और उससे कोई भी सृष्टि नहीं बन सकती थी। इसलिए यहाँ लिखा है उसको गर्भ बनाते हैं, अर्थात जिस बाहर से निरंतर कुछ रश्मियों को प्राप्त करता रहता है, अवशोषित करता रहता है, और उन जो बाहरी परिमाप वाली रश्मियाँ, परिधि में जो रश्मियाँ होती हैं उनके द्वारा वो निरंतर सुरक्षित रहता है और उन गर्भों में क्या है, वायु, अर्थात वे रश्मियाँ ही हैं। इंद्रियम गर्भ प्राणा इंद्रियाणि, अर्थात उस वायु में प्राण भी हैं, उस वायु में छंद भी हैं, छंद प्राण मरो इन सब का मिश्रण है, और वह वायु घनीभूत हो जाता है,
घनीभूत होकर के विभिन्न पार्टिकल और फोटॉन्स आदि को उत्पन्न करता है और उनको यहाँ ऐसा होता है जैसे भंवर के अंदर पानी, भंवर में पानी को कौन घुमा रहा है, जो कुआं जैसा भंवर बन रहा है उसको घुमा कौन रहा है, कौन प्रेस कर रहा है, कौन दबाव दे रहा है, पानी ही दे रहा है। किसको दे रहा है, पानी को ही दे रहा है। तो वैसे ही इस ब्रह्मांड में जो भी रश्मियाँ उस समय भरी रहती हैं वे रश्मियाँ ही स्वयं रश्मियों को दबाव देती हैं, कंप्रेस करती हैं, संपीड़ित करती हैं और संपीड़ित करके कण और विकिरण का रूप धारण करती हैं। और इसके पीछे ये कण बने या प्रतिकर्ण बने या फोटोन बने, ये घूर्णन से ही बनते हैं। पदार्थ है एकदम घूमना शुरू हो गया बिंदु बिंदु, वो कण विकिरण में प्रकट हो जाएंगे। और ये घूमना शुरू करते क्यों है, इनमें परिक्रमण गुण कैसे प्रारंभ हो जाता है, इसमें घूर्णन कैसे प्रारंभ होता है, परिक्रमण घूर्णन, यहाँ हमें समझ लेना चाहिए कि बिना किसी चेतना के, बिना गति देने वाले के कोई गति नहीं हो सकती। और चेतना कौन है, यहाँ ओम रश्मियाँ, जो सीधे ईश्वर से संपर्क में रहने के कारण निरंतर चेतन रहती हैं। वैसे वो चेतन नहीं है क्योंकि ओम रश्मियाँ भी स्पंदन है, परा है तो प्रकृति में हो, पश्यंती है तो मनस्तत्व में हो, तो सब जड़ है। लेकिन क्योंकि ओम रश्मि ही ऐसी है जिसका सीधे ईश्वर से संबंध रहता है, इसलिए इन सबको बनाने वाला, चक्रण कराने वाला, गर्व रूप बनाने वाला, गर्व आकार प्रदान करने वाला चेतन चेतन परमेश्वर ही है, अन्य कोई नहीं। लेकिन वो सीधा नहीं, वो ओम रश्मियों के माध्यम से, ओम अन्य रश्मियों के माध्यम से इस प्रकार से काम चलता है और सारी सृष्टि इस प्रकार ही बनी है। कोई भी सृष्टि का ऐसा कर्म नहीं है जहाँ चेतना की आवश्यकता नहीं है। आज का फिजिक्स चेतना को स्वीकार नहीं करता, वैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं और करते रहे हैं, लेकिन कुछ अधकचरे उनसे फिर चर्चा की कोई अर्थ ही नहीं। जो फिजिक्स को जितनी गहराई में जाएगा वो उतना ही अनुभव करने लगेगा कि हर क्रिया के पीछे कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता, बहुत बड़ी चेतन शक्ति काम कर रही है और उसी का नाम है ईश्वर। दूसरी कंडिका लेते हैं, अद्भेहे अभिसिंचंती, उसके पश्चात क्या होता है कि अद्भी आपों के द्वारा उन निर्माणाधीन कणों विकिरणों का सिंचन किया जाता है। किसका सिंचन किया जाता है, आपों का सिंचन किया जाता है। आप क्या हैं, अगली कंडिका कहते हैं रेतो व आप स रेतसम एवैनम तत्कृत्वा दीक्षयन्ति। आप क्या है, प्राणावाप तैत्री ब्राह्मण 3-2-5-2 आप अंतरिक्ष नाम निघंटु 1-3 वज्रो व आप शतपथ 1-1-1-17 आपो व्यान जैमिनियोपनिषद ब्राह्मण 4-11-22-9 आपो रेत तैत्री ब्राह्मण 3-3-10-3 आपो वै मरुत ऐत्रे ब्राह्मण 6-30 कौशतकी ब्राह्मण 12-8 और वज्रो वै सामधेन्य शतपथ कह रहे कि वज्र ही आप है और वज्र क्या है, सामधेनी रश्मियां जो पहले सत्र बताई थी वही सामधेनी वज्र हैं। तो पहले कहा कि उन कणों पर आपों का सिंचन किया जाता है, आप पर प्राण, जो अभी चर्चा कर रहे थे हम, जैसे गर्भ के अंदर माता का रस रक्त आदि जाता है, सारा जो भोजन करती है वह रस रूप में बच्चे को, भ्रूण को पहुंचता है, उसी प्रकार से इन निर्माणाधीन कणों या फोटॉन्स के चारों ओर से आप सूक्ष्म प्राण रश्मियां रिस रिस करके अंदर में उसमें प्रविष्ट होती रहती हैं और साथ में स्पेस भी
अंतरिक्ष का स्पेस का जो जाल है वह भी उसमें प्रविष्ट होता रहता है और उसको कंडेंस भी करता रहता है। व्यान रश्मियाँ प्राण और अपान को जोड़ती हैं। बिना प्राण और अपान के इस जड़ पदार्थ में कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। और प्राण और अपान को जोड़ने वाला है वो है व्यान, और ये प्राण ही, ये अंतरिक्ष ही, ये वज्र ही, ये बीज हैं, रेत हैं, और सूक्ष्म मरुत रश्मियां भी, वो भी आप हैं। आप जो सब स्थानों पर व्याप्त होता है, प्राण रश्मियां भी व्याप्त हैं, मरुद रश्मियां भी व्याप्त हैं, और अंतरिक्ष आकाश भी व्याप्त है, स्पेस, और वज्र रूप रश्मियां भी सब जगह व्याप्त हैं। कहीं कोई बाधक उपस्थित होता है तो वज्र रश्मियां उसको निरस्त करती हैं। तो निर्माणाधीन कणों के ऊपर निरंतर जो वर्षा हो रही है, प्राण रश्मियों की हो रही है, मरुद रश्मियों की हो रही है, और कंडेंस करने में, संपीड़ित करने में, सघन करने में, जहाँ सूत्रात्म वायु की भूमिका है, जहाँ ब्रैती रश्मियों जैसी कुछ रश्मियों की भूमिका है, वहाँ स्पेस की भी भूमिका है। स्पेस हर पदार्थ को, हर जड़ पदार्थ को ढके हुए है, और उस स्पेस के बिना कोई भी कार्य आगे नहीं हो सकता। जो घनीभूत अवस्था है उसके, उसमें ये स्पेस रूपी जाल है, उसकी भी भूमिका है। जैसे ये है तो इसके जो चारों ओर स्पेस है वो इसके पास में सघन है और धीरे धीरे विरल हो जाएगा। मेरे हाथ के पास फिर सघन है, यहाँ विरल है, यहाँ कम विरल है, यहाँ कम विरल है, निरंतर विरलता कम होती जाएगी और सघनता बढ़ती जाएगी। तो स्पेस भी आप है क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है। तो उन जो निर्माणाधीन कण हैं, उन जो गर्भ का काम कर रहे थे, उन गर्भों को इस पदार्थ से, इस प्रकृति से, इस मनस तत्व से सूक्ष्म रश्मियां निरंतर प्राप्त होती रहती, अभिसिंचनती, सेचन होता रहता उनका। जैसे पानी धीरे 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 किसी पर छिड़काव करें, इस प्रकार से सेचन होता रहता उन कणों पर। और फिर आगे कहते हैं अगली कंडिका तीसरी, नवनीत उस पर अभ्यंजन करते हैं। नवनीत की जैसे मान लीजिए नवनीत का ग्लेयर चढ़ाते हैं या उसकी मालिश करते हैं, या ये कहेंगे नवनीत का इंटरेक्शन होता है, नवनीत उनको और भी ज़्यादा सक्रिय करता है। जो काम आप नहीं कर सके उस काम को नवनीत करता है। आपने किया, आपने उनमें तेज उत्पन्न किया, आपने उन्हें बल प्रदान किया, आपने उन्हें गति प्रदान की, मतलब ऊर्जा दी, अधिक ऊर्जा दी। फिर क्या हुआ, नवनीत भी आ गए, नवनीत संजक रश्मियाँ उनको और भी अधिक सक्रिय बनाती हैं, जोड़ देती हैं और एक काम को और ऐड कर देती हैं। अब नवनीत क्या है, भाष्यकारों ने तो यही कहा है कि उसके जल का सेचन करते हैं, यजमान पर जल का छिड़काव करते हैं और नवनीत मक्खन की मालिश करते हैं, इस प्रकार के अर्थ हैं। नवनीत कहते हैं, नव कहते हैं न वननिया न वाप्ता वा निरुक्त 3:10 नवतीति नवन अणुस्तुत वैदिक कोश आचार्य राजवी शास्त्री एतत् सर्वदेवत्यम यन नवनीतम 33 संहिता 6:1-5। प्राणों के नव नीत जो नई जो पदार्थ नया नया ही उत्पन्न हुआ है, नया नया ही लाया गया है, यहाँ कोई कण बन रहा है, यहाँ पहले से प्राण मंडल आदि बहुत भरे हुए हैं, पहले से भरे हुए हैं, क्योंकि इनके बिना तो आगे सृष्टि बनती नहीं।
तो लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हो रहे हैं कि उसी समय नए नए उत्पन्न होते हैं और न वननीय न अवाप्ता वा, वो पदार्थ पूरी तरह समय व्याप्त नहीं है, विभिन्न स्थानों पर आवश्यकता अनुसार प्रकट होने लगते हैं, बनने लगते हैं। और कुछ पदार्थ पहले से बने हुए हैं तो पहले से बने हुए हैं वो तो आपे हैं, सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन जो सब जगह व्याप्त नहीं है, फुटकर कभी कहीं उत्पन्न हो गए, कभी कहीं उत्पन्न हो गए, कभी कहीं उत्पन्न हो गए, उनको कहा है नवनीत। और नवनीत सर्वदेवत्यम, उसमें सभी प्रकार के देव पदार्थ हैं, उसमें भी प्राण छंद आदि हैं। तो अब नवनीत कौन से होंगे? हमारा मत है कि जो पहले सामधेनी रश्मियाँ बताई थी, 17 सामधेनी रश्मियाँ, 13 थी जिसमें दो मंत्रों की 3-3 बार आवृत्ति थी। अब तो उसके पश्चात कौन सी रश्मियाँ प्रकट होती हैं जिनको यह नवनीत कहा गया, नई नई लाई हुई और ऐसी लाई हुई कि सब जगह व्याप्त नहीं हो पाई, कहीं कम भी हो सकती है, कहीं ज़्यादा भी हो सकती हैं, घनीभूत हो सकती हैं, कहीं विरल हो सकती हैं, कहीं नहीं भी हो सकती हैं। तो वे कौन सी हैं जो 17 सामधेनी रश्मियों की बात कर रहे थे? हमारा निश्चित विचार है कि वे रश्मियाँ जो 17 सामधेनी पैदा हुई हैं, नई नई पैदा हुई हैं और सारे में फैली हुई नहीं है, सभी स्पेस में पूरी तरह फैली हुई नहीं है, व्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हीं को नवनीत कहा गया। तो फिर उन कणों पर सामधेनी रश्मियों का इंटरेक्शन होता है, उनसे सामधेनी रश्मियों का उन पर प्रहार किया जाता है। पहले भी आया कौन कौन सी सामधेनी है और उनका क्या काम है, अब यहाँ उसी प्रकरण को बता रहे हैं कि आपह का सेचन के पश्चात प्राण मरुत आदि रश्मियों के सेचन के पश्चात सामधेनी रश्मियों का सेचन होता है। वो सेचन नहीं असल में, उसको उसका उस सामधेनी रश्मियों का प्रहार करके उनको और अधिक सक्रिय किया जाता है, उनकी ऊर्जा और बढ़ जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले गर्भ रूप प्रदान किया, फिर उन पर आपों का सेचन किया, फिर नवनीत का हुआ और उसके बाद वो कण अभी प्रकट नहीं हुए। कणों के प्रकट होने की प्रक्रिया बाद में बताएंगे, पर अभी एक बार ये बता दिया कि उन कणों का वे कण इस प्रकार धीरे 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 ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कोई भी कण अचानक बन गया और बनकर के काम पर लग गया और सारे तुरंत सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है, उसमें समय लगता है। इलेक्ट्रॉन जब सबसे पहले बना होगा, फोटोन जब सबसे पहले बना होगा, तो बनते ही उसका वह स्वरूप नहीं होगा जो आज है, उसमें कुछ समय लगता है, बहुत प्रकार की रश्मियों से गुजरना पड़ता है उसको, उसके बाद वो वर्तमान स्वरूप में आया है, वो बनने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो आज इतना ही, शेष चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम शम।